नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखा पत्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब पत्र लिखकर बताया है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। वेणुगोपाल ने बताया कि INDIA गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। आपको बता दें कि NCP SP सुप्रीमो शरद पवार ने पहले कह दिया था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बारे में कांग्रेस फैसला करेगी, क्योंकि INDIA गठबंधन में सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के पास हैं। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के घटक दलों की सीटों की संख्या बढ़ने के साथ ही निचले सदन को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिलेगा। साथ ही विपक्षी नेताओं को ये भी उम्मीद है कि जल्द ही उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। उपाध्यक्ष पद आमतौर पर विपक्षी खेमे को मिलता है। आपको बता दें कि लोकसभा में पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। 5 जून को भंग हुई 17वीं लोकसभा को अपने पूरे कार्यकाल के लिए कोई उपाध्यक्ष नहीं मिला था। यह निचले सदन का लगातार दूसरा कार्यकाल था जिसमें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वे लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति भी अपने साथ रखी थी। अंग्रेजी में शपथ लेने के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। शपथ के लिए अब राहुल गांधी का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाने लगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।